25 जनवरी को रिलीज हुई शाहरुख खान की फिल्म पठान ने बॉक्स ऑफिस पर सभी रिकॉर्ड तोड़ते हुए धमाकेदार शुरुआत की है। महज दो दिन में ही पठान ने 127 करोड़ रुपए की कमाई कर ली है, तो वहीं विश्व भर में पठान ने 235 करोड़ का कलेक्शन किया है। वहीं पठान की जबरदस्त सफलता पर अभिनेत्री कंगना रनौत ने अपनी प्रतिक्रिया भी दी है। कंगना को ट्विटर पर वापसी किए कुछ ही दिन हुए हैं और कंगना की ओर से ट्वीट्स का सिलसिला शुरू हो गया है। कंगना ने पठान को लेकर अब एक लंबा चौड़ा ट्वीट कर डाला है। वो सभी लोग जो ये क्लेम कर रहे हैं कि पठान नफरत पर प्यार की जीत है, लेकिन किसके प्यार की किसकी नफरत पर जीत हुई है? चलिए मुद्दे पर आते हैं। कौन फिल्म के टिकट्स खरीद रहा है और इसे सफल बना रहा है? हाँ, ये इंडिया का प्यार है जहाँ 80% हिंदू रहते हैं, और यहाँ पठान नाम की फिल्म जिसमें हमारे दुश्मन मुल्क पाकिस्तान और ISIS को गुड लाइट में दिखाया गया है, और वो फिल्म सक्सेसफुल हो रही है। ये हमारे इंडिया की स्पिरिट है जो किसी नफरत या जजमेंट से परे है, जो इसे महान बनाता है। ये इंडिया का प्यार है जो नफरत पर और दुश्मनों की गंदी राजनीति पर हावी है। लेकिन जिन्होंने ज़्यादा उम्मीदें पाल ली हैं, मैं उन्हें बता दूं कि पठान सिर्फ एक फिल्म हो सकती है। गूंजेगा तो सिर्फ यहाँ जय श्री राम जय श्री राम। हालांकि कंगना ने अपने पहले ट्वीट में सुधार करते हुए ISIS को ISI कर दिया, और एक और ट्वीट में कंगना रनौत ने पठान के लिए सही टाइटल नेम सुझाया। कंगना ने लिखा है कि मुझे विश्वास है कि भारतीय मुसलमान देशभक्त हैं और अफगान पठानों से बहुत अलग हैं। निचोड़ ये है कि भारत कभी अफगानिस्तान नहीं होगा। हम सभी जानते हैं कि अफगानिस्तान में क्या हो रहा है, नरक से भी बदतर हालात हैं वहाँ। फिल्म पठान का उचित नाम इसकी स्टोरी लाइन के हिसाब से इंडियन पठान होना चाहिए। फिल्म जीरो के बाद शाहरुख खान ने लगभग 4 साल बाद पठान के जरिए पर्दे पर धमाकेदार कमबैक किया है। फिल्म रिलीज होने से पहले खूब विवादों में भी रही, लेकिन रिलीज के बाद फिल्म ने सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए और बॉक्स ऑफिस पर ताबड़तोड़ कमाई कर रही है।